देंगे, सीधे चलते हैं पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में, जहां गोसाईपुर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। তার জন্য আপনাদের আমি ধন্যবাদ জানাই, আপনার আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা নিতে আবার এসেছি। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आज सुबह से पश्चिम बंगाल में चुनावी सभाएं कर रहा हूं और मैंने अनुभव किया कि लोकसभा के चुनाव के समय भी ऐसा माहौल मैंने नहीं देखा था जो इस चुनाव में मैं देख रहा हूं। आमतौर पर चुनाव होते हैं अपनी पसंद की सरकार चुनने के लिए। मतदाता मन बनाते हैं कि इस बार कैसी सरकार चुनेंगे, किसको लाएंगे, किसको हमारा 5 साल के लिए हमारा भविष्य सुपुर्द करेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल का चुनाव, उसका मिजाज कुछ और नजर आ रहा है। मैं देख रहा हूं कि पश्चिम बंगाल की जनता इस बार पश्चिम बंगाल के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को सजा देने के मूड में है। इस चुनाव में जनता न्यायाधीश बनकर के एक बार ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहती है, उनको सजा देना चाहती है, क्योंकि लोगों का 34 साल तक लेफ्ट वालों ने जो राज किया उसकी तो बर्बादी थी ही थी, उसके तो गांव गहरे थे, लेकिन पिछले 5 साल में उन गांवों को और गहरा किया गया, उन गांवों में और तेजाब छिटका गया, एसिड छिटका गया और लोगों की पीड़ा को यातनाओं में बदल दिया गया। और इसलिए जनता 34 साल तक तबाह करने वाले लेफ्ट को और पिछले 5 साल में बर्बादी का बंजर दिखाने वाले टीएमसी को सजा देने के मूड में ये चुनाव में पश्चिम की बंगाल की जनता दिखाई दे रही है। मैं पश्चिम बंगाल की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। यहां के लोग जागरूक हैं, यहां के लोग समझदार हैं, यहां के लोग विचारवान हैं। वे अब पश्चिम बंगाल को और बर्बाद होने देना नहीं चाहते हैं। लोग कहते हैं कि अगर ये दोनों जाएंगे उसके बाद जो आएगा, भला हो या ना हो, लेकिन कम से कम बुरा तो नहीं करेगा। लेकिन मैं जनता जनार्दन को विश्वास दिला रहा हूं, आप भारतीय जनता पार्टी को अवसर दीजिए, क्योंकि हम इस चुनाव में 3 एजेंडा लेकर के निकले हैं। 3 एजेंडा मेरे हैं जिसके लिए मुझे पश्चिम बंगाल में सेवा करने का मौका दीजिए।
मेरा पहला एजेंडा है विकास, दूसरा एजेंडा है तेज गति से विकास, और तीसरा एजेंडा है चारों तरफ विकास, विकास और विकास। भाइयों बहनों, चुनाव तो आएंगे जाएंगे, लोगों को गुमराह करने की भरपूर कोशिशें होगी, तत्कालीन फायदे की बातें भी होगी, लेकिन पिछले 60 साल का हमारा अनुभव, इस प्रकार की वादेबाजी करके आए हुए लोगों ने 60 साल में हमारा भला नहीं किया है। एक जमाना था जब पश्चिम बंगाल पूरे हिंदुस्तान का मार्गदर्शन करता था, पश्चिम बंगाल की पूरी दुनिया में ऐसी साख थी, ऐसी आबरू थी कि विश्व भर के लोग कलकत्ता आना चाहते थे। अंग्रेजों ने भी आकर के कलकत्ता में अपना डेरा तंबू डालने का तय किया था। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल ऐसा भव्य दिव्य समृद्ध संपन्न विकसित प्रदेश के रूप में पूरे देश की शान बढ़ा रहा था। यहां के बुद्धिवादी लोग जो सोचते थे, पूरा हिंदुस्तान बाद में उसे सोचने के लिए मजबूर होता था। लेकिन देश आजाद होने के बाद पहले कांग्रेस ने, बाद में लेफ्ट ने, और आखिर आखिर में दीदी ने कुछ नहीं बचने दिया, कुछ नहीं बचने दिया, बर्बाद करके रख दिया। और इसलिए भाइयों बहनों, इस चुनाव में आपका संकल्प होना चाहिए कि इस बार हम किसी भी हालत में इन दोनों में से किसी को राज नहीं करने देंगे, बंगाल को बर्बाद नहीं करने देंगे। ये हमारा दार्जिलिंग चाय के लिए जितना मशहूर है, उससे ज्यादा शिक्षा के लिए मशहूर हुआ करता था। देश भर के गणमान्य लोग अपने संतानों को यहां दार्जिलिंग में पढ़ाई के लिए भेजते थे, और बेटा दार्जिलिंग में पढ़ता है इस बात का गौरव किया करते थे। आज हालत ये हो गई कि दार्जिलिंग के बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। यह हालत पैदा कर दी। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप मुझे बताएं, चाय बागान के हमारे मजदूर भाई बहन, मैं हैरान हूं कि यहां की राज्य सरकार को मालिकों के साथ तो जो चाहे वो करने के लिए तैयारी रहती है, लेकिन चाय बागान के मजदूर शौचालय मांगे शौचालय, वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के गुसाईपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। फिलहाल